ठीक होएगा तो इथे आके आंटी जी को लाके तुसी अपना इनाम ले लेना। ठीक है जी, कोई कंफ्यूजन? सब ने हाथ खड़ा करना है, भैन जी चूज करेंगे, दीदी चूज करेंगे किन्ने आंसर देना है। जे कोई बिना पहला ही आंसर दस देगा तो वो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। ठीक है जी, स्ट्रिक्ट रूल्स ने, जिहड़ा ओबे नहीं करेगा पहले डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक है जी, सब ने बोलना सत बचन जी। की बोलना है? सत बचन। ठीक है जी, शुरू करिए। हाथ रेस करोगे, हैंड रेस करोगे ना? जे नहीं रेस करोगे आपे बोलोगे तो की हो जाओगे? डिस्क्वालीफाई। ठीक है, बच्चों बोलो डिस्क। पहला ये दसो, आंटी जी ने एक क्विज वंडिया सी, जो संडे क्लासेस हुंदी सी, किदे कोदे कोल सीगा है पहला ही ऑलरेडी? ए दो पेजेस वंडे सीगे तैयारी वास्ते, किदे कोल सीगा ऑलरेडी? तीन चार बच्चे हैगे पूछ सकदे हैं। चलो ठीक है जी, शुरू करिए जी। पहला दीदी दसोंगे किन्ने आंसर देने है। ठीक है, इदां नहीं आंसर देने। चलो स्टार्ट स्टार्ट करते हैं जी। ठीक है जी, दो क्वेश्चन के आंसर ठीक होने चाहिए ने। पहला क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब जी दे किन्ने अंग हन? जिन्हों आंदा वो हाथ खड़ा करे, जिन्हों नहीं आंदा वो ना करे। ठीक है जी, वेरी गुड। बच्चे खड़े हो जाओ, खड़े हो जरा जी। गुरु ग्रंथ साहिब जी के 1430 अंग हैं। ठीक है जी, दूसरा क्वेश्चन, गुरु ग्रंथ साहिब जी विच किन्ने गुरुआं दी बाणी दर्ज है? गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 6 गुरुआं दी बाणी है। हां जी संगत जी, ठीक है जी, गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 6 गुरुआं दी बाणी दर्ज है। ठीक है जी, बच्चे वास्ते जयकारा, बोले सोनिहाल, सत श्री अकाल। अपना इनाम आके आ जाओ बच्चे, आ जाओ। तुम्हारा नाम की है जी? अर्शनूर सिंह। ठीक है जी, ठीक है जी, एक डेमो हो गया नाले सब वास्ते। ठीक है, इतना ही करना है। चलिए जी, सेकंड राउंड शुरू करिए जी। फिर 12 राउंड्स ने इतना दे, ध्यान देखना बच्चे अपने आप। चलो जी, दूसरा क्वेश्चन, दूसरा राउंड, गुरु नानक देव जी ने किन्निया उदासियां कीतियां? चार। वेरी गुड, गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां कीतियां। दूजा क्वेश्चन, गुरु नानक देव जी नाल उदासियां विच कौन हुंदे सन? गुरु नानक देव जी उदासियां ते जांदे सीगे, तो उन्हां नाल कोई उन्हां दा फ्रेंड हुंदा सी ना, उन्हां नूं कोई कहिंदे नाम सीगा उन्हां दा? वेरी गुड, गुरु नानक देव जी नाल भाई मरदाना जी हुंदे सन। ठीक है, तुहाडा सेकंड क्वेश्चन पूछ लैने, लास्ट आंसर। ठीक है जी, पहला तुसीं आंसर दित्ता है 4 उदासियां सी कर होईयां सी, गुरु नानक देव जी ने 4 उदासियां कीतियां सी। ठीक है जी, सेकंड क्वेश्चन तुहाडे कोल सीगा पहला पेपर जो तुसीं नहीं सीगा? अच्छा जी, चलो सौखा क्वेश्चन पूछ लैने जी। सिखां दे चौथे गुरु दा नां दसो जी। सिखां दे चौथे पातशाह दा नां दसो जी। इन्हां ने ही आंसर दसना, होर किसे ने आंसर नहीं दसना। कुछ भी गैस, कुछ भी पहले गुरु दूजी पाशाह वेरी गुड गुरु रामदास अगे तो असीं कंसीडर करना। ठीक है जी, वेल ट्राइड, वेल ट्राइड। चलिए जी अगे, वाहेगुरु जी।
गुरु ग्रंथ साहिब जी विच किन्नियां वारां हन गुरु ग्रंथ साहिब विच किन्नियां वारां हन नहीं जी इस बैठो क्वेश्चन दा आंसर सही नहीं है आप हले भी पास ऑन कर सकते हैं अगे गुरु ग्रंथ साहिब विच किन्नियां वारां हन वेरी गुड सेकंड क्वेश्चन गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला राग केड़ा है श्री राग ठीक है जी गुरु ग्रंथ साहिब जी का पहला राग केड़ा है श्री राग ठीक है जी सत श्री अकाल अपना इनाम ले इनाम लो जी बच्चे चलिए जी अगे ठीक है जी सिलेबस भी पूछ लेने जी गुरु ग्रंथ साहिब जी का आखिरी राग केड़ा है सिलेबस तो सब नूं आंदे टफ कर दें थोड़ा जा जो जी इधर भी हाथ खड़ा 15 साल छोटे ठीक है जय ठीक है जय जय बंती राग अच्छा दसता जी जय जय बंती राग ठीक है जी दूजा क्वेश्चन कौन आंसर दे रहा जी ठीक है तुम खड़े हो जाओ प्लीज जिन्हें आंसर जय जय बंती राग गुरजोत ने दिता ओके अगला क्वेश्चन ही दो मिनट दूसरा क्वेश्चन हाँ जी गुरु ग्रंथ साहिब जी विच किन्ने भगतां दी बाणी दर्ज है ठीक है जी गुरु ग्रंथ साहिब जी विच 15 भगतां दी बाणी दर्ज है आगे नाम है लो जी बोले सो निहाल सत श्री अकाल चलो जी अजे हुन हुकम होया जी आउट ऑफ सिलेबस पूछ लेंगे नाम दसो ना विचों किसी भी भगत दा नाम दसो जेड़े भक्तां दी बाणी दर्ज है 15 भक्तां दे ना बाणी आपां सुनिया होनी इन्ना तो कि 15 भक्तां दी बाणी दर्ज है नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ लेने जी कि कोई भी 15 चो एक भगत दा नाम दस दो जी एक भगत दा जिन्ना दी 15 चो दर्ज है गुरु गोबिंद सिंह जी का जन्म किथे होया सी अगला एक और टफ क्वेश्चन जी नित नेम विच किन्नियां बाणियां हन गुरु गोबिंद सिंह जी दी उन्हां पंजां चो केड़ी बाणी है जाप साहिब हां जी तोपरी साहिब जी है हां जी चौपाई साहिब वेरी गुड बोले सो निहाल सत श्री अकाल ठीक है जी पहला सोखा मिलिया इनाम लेके आओ क्वेश्चन स्टाफ सी के अपना इनाम ले सकते हैं वेरी गुड वेरी गुड चलिए जी अगे आउट ऑफ सिलेबस फ्रॉम सिलेबस दसो जी चार साहिबजादियां दे नाम दसो वेरी गुड जी अपना नाम ले लो मेहताब कौर जी चलो जी नेक्स्ट चलिए जी ठीक है जी तेरे को कितने नाम ने जी हले ठीक है जी चलिए जी अगे पांच ककार केड़े हन कंगा केस कृपान कड़ा कछहरा वेरी गुड कंगा क
कड़ा केस कृपान कछहरा। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन तुहाडे वास्ते फ्रॉम सिलेबस, केड़े गुरु साहब नू तत्ती तवी ते बिठा के शहीद किया गया सी? गुरु अर्जन देव जी। ठीक है जी, बोल ठीक है जी। गुरु अर्जन देव जी नू तत्ती तवी ते बिठा के शहीद किया गया सी। बोले ईसो निहाल। ठीक है, जाके अपना नाम ले लो साहिब नूर कौर। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम सिलेबस, आरती किन्ने उचारी है? आरती केड़े गुरु साहब ने उचारी है? थोड़े नु करेक्शन कर लेने जी। श्री गुरु नानक देव जी। ठीक है, वेरी गुड। श्री गुरु नानक देव जी ने आरती दा पाठ उचारिया है। तुहाडे वास्ते एक बड़ा आउट ऑफ सिलेबस बट वेरी इजी क्वेश्चन, पंजा प्यारियां दे नाम दसो। ओके, इस प्यारे दा नाम दसो। नहीं नहीं, पंजा प्यारे दे नाम दसो। एक बार फिर दस दो खड़ के। ये पहले गाना, पहले गाना सुना, दोबारा पूछना। टेस्ट हो रही है इस टाइम। आराम आराम। भाई तेया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई मोकम सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी। हां, कोशिश करना चाहोगे? भाई तेया सिंह जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई नहीं संगत प्लीज कोई ना बोला। हां जी, भाई धर्म सिंह जी, भाई हिम्मत सिंह जी, भाई साहिब सिंह जी। ये पांच क्वेश्चन हो गए, इसका नाम तुम्हें मिलेगा, तुम और नवा क्वेश्चन पूछ लेने हैं जी। ठीक है जी, ठीक है जी। अगे सिलेबस तो पूछ लेने। ठीक है जी, खालसे के पिता कौन हैं? गुरु गोबिंद सिंह जी। एक और नाल, खालसे के माता जी कौन हैं? माता साहिब कौर जी। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन तुम्हारे वास्ते, क्योंकि तुम चांस ज्यादा दे रहे हैं। उबल की देग विच किसनू बिठाया गया सी? भाई दयाला जी नू। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है जी। उबल की देग विच भाई दयाला जी नू बिठा के शहीद किया गया जी। ठीक है जी, अपना इनाम तुसी कलेक्ट कर सकते हो जी।